अब कुछ समय पहले सड़क के किनारे पड़ा हुआ साधारण से एक मिट्टी था, हेलो, एक साधारण सा मिट्टी था जिसके ऊपर से लोग चल के जाया करते थे, जिसके ऊपर से लोग थूकते भी रहे होंगे, जिसकी कोई कीमत नहीं था। सड़क के किनारे हो या खेत में ऐसा पड़ा हुआ साधारण सा एक मिट्टी का ढेला था, एक मिट्टी था। कुम्हार जिसने इसको बनाया, बनाने के लिए उपयुक्त मिट्टी का चुनाव किया, उसने देखा और उस मिट्टी को वहां से अपना औजार से उसको कोड़ा, उसको उठाया और अपने पास अपने साथ लेकर गया और जहां पर बर्तन बनाते, जहां पर वो काम करता है, वहां पर जाके उस ढेले को, उस मिट्टी को मारा गया, उसको तोड़ा गया। उसके अंदर में से कंकड़, पत्थर, अनावश्यक चीजें उसको निकाल कर, उस मिट्टी को साफ करके, उसमें पानी डाल के, उसको भिगो कर, उसको गूंथा गया है, उसको बहुत जो साना गया है और उसको एकदम मुलायम करके बना, उसको तैयार किया गया है एक मिट्टी। उसके बाद उस मिट्टी को चरखा में उसको डाल के उसको घुमाया गया। घुमाने के बाद हो सकता है उसका शेप जो आकार वो देना चाहता था कई बार बिगड़ा होगा, फिर से उसको बनाया, फिर से उसमें डाला, चरखा में घुमा। घूमने के बाद में कुम्हार जैसा वो रूप देना चाहता था वैसा एक रूप उसने इस बर्तन को दिया, इस कप को दिया। देने के बाद भी इस कुम्हार ने, बनाने वाले ने इसको पकाया गया, उसको आग में से होके, उसको एक तकलीफ में आग में से होके उसको पकाया गया, सुंदर उसको मजबूत बनाया गया, उसके बाद और भी उसमें पेंट लगाया गया। हालेलुया। ऐसा एक साधारण सा मिट्टी को कुम्हार ने इतना सुंदर पात्र बनाया, कप बनाया, और ये कप जो है आज हमारे घरों के एक आदरणीय, एक सम्मानीय जगह पर, एक ऊंचे स्थान पर इसको रखा जाता है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। कोई मिट्टी का ठेला लेके आप अपने बैठक रूम के अलमारी में, सेल्फ में नहीं रखते, रखते हैं कोई मिट्टी का एक टुकड़ा, मिट्टी का एक ठेला लेके हमारे सेल्फ में रखते हैं क्या? नहीं रखते, बल्कि इस मिट्टी से बनाया गया एक पात्र, एक सुंदर पात्र सुंदर सा दिख रहा है, जो आदर का पात्र है, इसको हम ऊपर में किचन के ऊपर जगह पे, या ऐसे कई सारे ऐसे पात्र होता है जो अपने घर के बैठक में या हॉल में उसको जमा कर उसको रखते हैं, जो अच्छी जगह पे रखते हैं। बोलो हालेलुया। आदर का पात्र है, सुंदर पात्र, ऐसा अचानक से नहीं आ गया, इसके पीछे मेहनत लगा, इसके पीछे किसी ने बनाया है, जिसकी योजना है, वो चाहता था कि एक अच्छा रूप दे, और ये आज एक आदर का पात्र है जो स्वामी का काम आता है और इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ, उपयोग करता हूँ। बोलो यीशु मसीह की। हमारा थीम है आदर का पात्र। परमेश्वर जो सृष्टि करता है, जिसने हमको, आपको, आप जवानों को, हम सबको परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। और एक रूप दिया, एक स्वरूप दिया, और परमेश्वर ने हमको एक ऐसा बर्तन बनाया है, ऐसा पात्र बनाया है, जिसमें, जिससे हम परमेश्वर के या उस मालिक के हाथ में काम में आए। बोल सकते हो आमीन? और से बोलिए हालेलुया। हमको किसने बनाया? कोई अपने आप से यहाँ पर नहीं आ गए हैं, परमेश्वर ने आपको बनाया, हम उस बनाने वाले उस परमेश्वर के हाथ में काम आए। बोलो यीशु मसीह की। यहाँ पे दूसरा तीमुथियुस की पत्री दूसरा अध्याय 21 वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर कलीसिया के अंदर अच्छे और बुरे लोगों की उपस्थिति रहता है। कलीसिया के अंदर में अच्छे लोगों की और बुरे लोगों की उपस्थिति की तुलना एक अच्छे बर्तन और एक खराब बर्तन के साथ किया गया है, एक बहुमूल्य बर्तन और एक कम मूल्य के बर्तन के साथ उसको आंका गया है, उसको तुलना किया गया है।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ बर्तन हमारे घरों में जो होती है वो आदर की जगह पे रखा जाता है, कुछ बर्तन जो है अनादर की जगह पर या कम कीमत की जो जगह है, कम मूल्य की जो पात्र है उसको हम रखते, इसको हम बाथरूम में नहीं रखते, रखते हैं इसको बाथरूम में नहीं रखते हैं। बाथरूम का मग्गा लेके हम किचन में इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसका एक जगह है, उसका एक स्थान है, बहुमूल्य जगह। कुछ बर्तन कम बहुमूल्य जगह, कम बहुमूल्य होता है, बहुत कीमती कम होती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्रिय जवानों, भाई और बहनों, हम परमेश्वर की सृष्टि हैं और परमेश्वर आज हमारे साथ है और हम जीवन की एक अच्छी अवस्था में से होके गुजर रहे हैं। आज हम जवान हैं, ये परमेश्वर की आशीष है और मनुष्य की अवस्था का ये जो जवानी की अवस्था, युवा वर्ग है, युवा जो अवस्था है बहुत लंबा अवस्था होती है। बाकी अवस्थाओं में से जवानी की जो अवस्था होती है, जवानी का जो समय होता है, ये बहुत थोड़ा बहुत लंबा होता है, ताकि हम इसमें समझ जाए, ताकि हम इसमें परमेश्वर की महिमा के लिए उसके काम में आ जाए। और यही वो समय है जिसमें एक जवान बिगड़ सकता है, यही वो समय है जो एक जवान जो है एक दिशा, एक सही मार्ग को पकड़ सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं आज जवानी की अवस्था में हूँ, यह परमेश्वर की आशीष है। आमीन, हालेलुया। जब परमेश्वर ने हमको ये उत्तम अवस्था दिया है, इतना सुंदर जीवन दिया है, तो क्यों ना हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक आदर का बर्तन बने। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो परमेश्वर के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है, परमेश्वर के प्रति आपका कर्तव्य क्या है? परमेश्वर के प्रति हमारा कर्तव्य यह है कि हम सबसे पहला परमेश्वर पर संपूर्ण मन से भरोसा रखना, क्या रखना? परमेश्वर पर संपूर्ण मन से भरोसा रखना। परमेश्वर पर भरोसा रखे, ये केवल शब्दों में नहीं होना चाहिए, परंतु हमारे जीवन की जीवन से यह प्रमाणित होना चाहिए कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। मुंह से बोलना बहुत आसान होता है, मुंह से बोलना बहुत सरल होता है, मगर प्रैक्टिकली जब जीवन जिएंगे, हम दिनचर्या को जब हम जीवन व्यतीत करेंगे, परमेश्वर पर भरोसा रखना आसान नहीं होता है। आप जीवन की उत्तम अवस्था में से होके जा रहे हो जवानों, सबसे पहला आपके जीवन का कर्तव्य यह है कि आप परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा रखें। हम यही अवस्था में हम चाहते हैं कि मेरी मर्जी, जो चाहे मैं वो कर सकता हूं। खून गर्म रहता है, समझ बहुत कम रहती है, अनुभव कम रहता है, हम जोश में बहुत कुछ कर देते हैं, मगर यहां पर परमेश्वर के वचन कहता है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हमारे आचरण में, हमारे बातचीत में, हमारे व्यवहार में परमेश्वर पर भरोसा होनी चाहिए। इब्रानियों के पत्री 11 अध्याय उसका 6वां वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के पास आने वालों को यह विश्वास करना चाहिए कि वो है और वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। अरे जोर से बोलिए हालेलुया। परमेश्वर के पास आने वालों को ये विश्वास करना चाहिए कि वो है और वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जो उसके खोजी है, जो विश्वास करता है कि परमेश्वर है और उसकी खोजी होता है, परमेश्वर उसको प्रतिफल देता है। इधर देखिए, सबसे पहला जवानों, आप अपने जीवन में सबसे प्राथमिकता, सबसे पहला कर्तव्य मेरा और आपका यह है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। आप अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, हम स्वामी के हाथ में हो जाए, परमेश्वर के हाथ में अपने आप को जब समर्पित करोगे, हो जाओगे, भरोसा रखोगे, जब
जब वो परमेश्वर, जब वो मालिक परमेश्वर जो हमको बनाया अपने हाथ में लेकर हमको अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करे। हालेलुया। ये कब, ये बर्तन ऐसा नहीं था, इसको बनाया गया इस अवस्था में आने के, इसको कई सारे प्रोसेस से होके आना पड़ा, तब जाके ये आदर का बर्तन बना, एक सुंदर पात्र बना जो एक आदरणीय जगह पे उसको रखा जाता है। मिट्टी का ठेला लेके घर में ऊंचे स्थान पर नहीं रखते, उसकी कोई कीमत नहीं है, उसको ठोकर मार के हम फेंक देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक समय था कि हम भी अयोग्य थे, एक समय था हम भी पाप की दशा में थे, हम परमेश्वर से बहुत दूर थे, मगर परमेश्वर का नजर तुम पर लग गई है, परमेश्वर ने आपसे प्यार किया और परमेश्वर ने वहां से उठाकर आपको इस स्थान तक लेकर आया है। आमेन, आमेन, आमेन। ये परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का अनुग्रह है जो हम यीशु मसीह के द्वारा हम पिता तक हमारी पहुंच होती है और आज हम इस जगह पे है। मेरे प्रिय जवानों, भाई और बहनों, परमेश्वर के लिए एक आदर का बर्तन बने, परमेश्वर इस बर्तन को इस्तेमाल करे। आमीन। ये बर्तन, ये पात्र जो है संसार के लिए इस्तेमाल ना हो, संसार की बुराई और संसार का पाप इस बर्तन के द्वारा इस्तेमाल ना हो। ध्यान करना, सबसे पहले परमेश्वर पर संपूर्ण मन से क्या रखना, भरोसा रखना। जब परमेश्वर पर संपूर्ण मन से भरोसा रखोगे, परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए जैसा वो चाहता है इस्तेमाल करेगा। जोर से बोलिए आमीन, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आदर का बर्तन हमारा परमेश्वर के प्रति, मेरा और आपका कर्तव्य क्या है? दूसरी बात, हम परमेश्वर से प्रेम करें। किससे प्रेम करें? परमेश्वर से प्रेम करना। परमेश्वर हमसे निस्वार्थ प्रेम करता है। परमेश्वर के प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं पाया जाता। सब लोग वचन को बोलिए, अपना नाम लेके बोलेंगे। क्या लेके बोलेंगे? अपना अपना नाम लेके बोलना, कोई शर्माना हो, सब अपना अपना नाम लेना, बोलो मेरे साथ। क्योंकि परमेश्वर ने परमेश्वर ने जगह से ऐसा प्रेम रखा, मैं उसी वचन को बोल रहा हूं, सब अपना अपना नाम लेके बोलो। परमेश्वर ने ऐसा, परमेश्वर ने एनोस से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि एनोस उस पर विश्वास करे, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर तुम सबसे प्रेम करता है। हालेलुया। परमेश्वर एनोस से प्रेम करता है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए वो अपना एकलौता पुत्र आप हर एक व्यक्ति, हर एक नाम के लिए दे दिया ताकि हर एक नाम उस यीशु मसीह में विश्वास करे और ये नाम, ये व्यक्ति नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। आमीन। दूसरी बात जवानों, परमेश्वर से प्रेम रखना। किसको प्रेम करना? परमेश्वर से प्रेम करना। परमेश्वर से प्रेम करना ये उसका स्वभाव है, परमेश्वर से प्यार करना उसका स्वभाव है। एक मसीह व्यक्ति परमेश्वर से अपने पूरे मन, पूरे प्राण और पूरे शक्ति और बुद्धि के साथ प्यार करता है। एक मसीही व्यक्ति, एक मसीही विश्वासी परमेश्वर से अपने सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति के साथ और पूरे मन के साथ वो परमेश्वर से प्यार करता है। कौन कौन करता है? एक मसीही विश्वासी, एक मसीही जन परमेश्वर से अपने सारे प्राण, अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारे बुद्धि से और सारे शक्ति के साथ परमेश्वर से प्रेम करता है। क्या आपने अपनी जिंदगी में अभी तक किसी से प्यार किया है? प्यार किए हो, नहीं किए हो? जवानों, आपने कभी किसी से प्यार किया है? नहीं किया है?
कोई बोला नहीं किया तब तो गड़बड़ है। जो बोलता है मैंने किसी से प्यार नहीं किया बहुत गड़बड़ है, अब तो चेक कराना पड़ेगा। क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है? किया है किससे? पर से बोल दो, परमेश्वर से, माँ बाप से, भाई बहन से, बोलना आसान पर से बोल देते हैं। पर कोई और होता है, कोई और है, कोई और है, कुछ है, कुछ है, कोई और है। 100% सही है, मानो चाहे ना मान। क्या आपने कभी किसी से प्यार किया? किया आपका प्यार, मेरे प्यार निस्वार्थ है, कुछ पाने का है, ये प्यार दिखावा है। परमेश्वर का प्यार निस्वार्थ प्यार है। हालेलुया। एक दिन की बात है, एक दिन शाम के समय आप टहलते टहलते किसी गार्डन में पहुंच गए। कहां पहुंच गए? गार्डन में पहुंच गए। एकदम मस्त सुंदर मौसम, अच्छा हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और गार्डन में जाके खूबसूरत रंग बिरंगे फूलों का आप आनंद ले रहे हैं। हालेलुया। और वो भी 14 फरवरी वैलेंटाइन के दिन में। और गार्डन में घूम रहे हैं, बगीचे में घूम रहे हैं, और आराम से मस्त रिलैक्स होकर घूम रहे हैं। घूमते घूमते टहलते टहलते अचानक आपका नजर गेट तरफ देखा कि एक व्यक्ति आ रहा है जिसको आप प्यार करते हैं, जिसको आप पसंद करते हैं, जिसको आप दिल से प्यार करते हैं, और वो उसी गार्डन में उसी बगीचे में आ रहे हैं। तो आपका मन क्या करेगा, आपका दिल क्या करेगा? बोलिए, आप तो प्यार करते हैं तो बोले हो ना। आपका मन क्या करेगा, आपका दिल क्या करेगा? आपका मन करेगा कि एक सुंदर सा खूबसूरत गुलाब का फूल मैं तोड़ के उसको गिफ्ट करूं, उसको उपहार स्वरूप उसको दूं, गिफ्ट करूं, प्रेम का इजहार, प्रेम का प्रकटीकरण उसको मैं गिफ्ट में उसको एक फूल दूं। जब आप उस फूल को जब तोड़ेंगे तो कौन सा फूल का चयन करेंगे, कौन सा फूल का चुनाव करोगे? पंख, उसकी पंखुड़ियां मुरझाया हुआ टूटा फूटा फूल, या फीका कलर का फूल, ऐसे फूल का चुनाव करोगे, या एकदम गाढ़े कलर का लाल कलर का फूल जो पूरा खिला हुआ फूल जिस बहुत दिखने में सुंदर है, ऐसे फूल का चुनाव करोगे? आपकी बात मुझे नहीं पता, मैं होता तो जड़ सहित निकाल के उसको दे देता, ना प्यार करता। हालेलुया। आपका मन करता है कि छोटे छोटे फूल को, एक गाढ़े कलर का सुंदर पूरा खिला हुआ फूल को तोड़ के आप उसको गिफ्ट में दे। हालेलुया। हालेलुया। जब आपका मन करता है कि आप अपने प्यार करने वाले को, उस प्रेम का प्रकटीकरण को आप एक सुंदर फूल से आप उसको गिफ्ट करते हो, या आपका मन करता है, परमेश्वर का भी हृदय ऐसी है। हालेलुया। परमेश्वर जो आपसे और मुझसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपसे प्यार किया है, आपको छोड़ा नहीं है, उसने अपना इकलौता पुत्र को उस प्रेम के प्रकटी स्वरूप यहाँ पे दुनिया में दे दिया, ताकि आप केवल उस पर विश्वास करे और अपने मन में यीशु मसीह को ग्रहण करे, और आप मृत्यु को ना प्राप्त करे परंतु अनंत जीवन को प्राप्त। हालेलुया। यह है परमेश्वर का प्यार, जो जिसमें स्वार्थ नहीं होता है, निस्वार्थ प्रेम। जवानों सुनिए, दूसरा जो कर्तव्य आपका यह है कि परमेश्वर से प्यार करना। बोलो यीशु मसीह के, बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। केवल कहने की बात नहीं है, मसीह व्यक्ति के जीवन से ये प्रेम, ये प्यार जो है दिखना चाहिए। हालेलुया। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह के। हम जवान हैं, परमेश्वर से प्यार करें और किसी से प्यार ना करें। कुछ और बात रख के, कोई मन में और रख के केवल हम बोल देते हैं कि प्रभु से प्यार करते हैं, माँ बाप से प्यार करते हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, मन में रखे, आप अपनी जिंदगी में आज भी आपकी जिंदगी का पहला प्राथमिकता, पहला कौन है जिसको आप प्यार करते हो? मैं कहना चाहता हूँ, हम मनुष्य होने के नाते बहुत कमजोर हो जाते हैं, हम गिर जाते हैं या फिसल जाते हैं, मगर याद रखें कि मेरा कर्तव्य यह है कि जिसने मुझे बनाया, जो परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया, जिस परमेश्वर की बदौलत आज मैं यहाँ पर हूँ, उसको प्यार करना आपके और मेरे जीवन की प्राथमिकता है। हालेलुया। हालेलुया। आदर का बर्तन, आदर का पात्र
पात्र बने, परमेश्वर के हाथ में उपयोग किए जाने वाला बर्तन बने। तीसरी बात जो है, तीसरी बात, आपका मेरा कर्तव्य परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। इसकी आज्ञा का पालन करना, पहला क्या था, परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण मन से क्या रखना, भरोसा रखना। दूसरी बात यह था मेरा कर्तव्य कि परमेश्वर से क्या रखना, हालेलुया। बहुत से जवान, बहुत से लोग आज के उनके पास समय नहीं है, भटक रहे हैं, लक्ष्यहीन है, और परमेश्वर ने हमको और आपको यहाँ पर रखा है। प्रेज़ लॉर्ड। लक्ष्य को जाने बगैर तू कब तक भटका रहेगा, लक्ष्य को जाने बगैर तू कब तक भटका रहेगा, अपनी जवानी में सृजनहार को तू ना भूलना, अपनी जवानी में सृजनहार को तू ना भूलना। ये दुनिया कभी ना देगे तुझे तृप्ति और शांति, ये दुनिया कभी ना देगे तुझे तृप्ति और शांति। दिखता जो है वो माया, दिखता जो है वो माया, दिखता जो है वो माया। कोई नहीं देगा, अब बताओ, राजनीति या मत कोई हो, शराब हो या कोई नशा, राजनीति या मत कोई हो, शराब हो या कोई नशा, है कहाँ, है कहाँ संतुष्टि, है कहाँ, है कहाँ संतुष्टि, है कहाँ। ये दुनिया कभी न देगी तुझे तृप्ति और शांति, ये दुनिया कभी न देगी तुझे तृप्ति और शांति। दिखता जो है वो माया, दिखता जो है वो माया, दिखता जो है वो माया। हेलो, प्रेज लॉर्ड। राजनीति या मत कोई हो, शराब हो या कोई नशा, है कहा संतुष्ट। लक्ष्य को जाने बगैर कब तक तू भटका रहेगा, अपनी जवानी के दिन में अपनी सृजनहार को क्या रखना, यही वो समय है, यही वो वक्त है कि अपनी सृजनहार को याद रखो। जहां भी आप जा रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, एक परमेश्वर है जो आपको देखता है, एक परमेश्वर की उपस्थिति वहां है जहां पर आप जा रहे हो। हालेलुया। जो भी काम आप कर रहे हो, जो भी काम मैं कर रहा हूँ, एक परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर है, एक परमेश्वर की आंखें आपको बराबर देखती है। हालेलुया, हालेलुया। आप मुझे नहीं जान सकते कि मैं कैसा बाहर से अच्छा दिख रहा हूँ, मैं आपको अच्छा बाहर से देखता हूँ कि बहुत अच्छा है, ये हमारा देखना ऊपर का देखना है, और परमेश्वर आपके मन को, आपके हृदय को जानता है। हालेलुया। तीसरी बात, परमेश्वर की आज्ञाओं का क्या करना, पालन करना। जो व्यक्ति परमेश्वर से प्यार करता है वो उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर होता है। जो व्यक्ति परमेश्वर से प्यार करता है वो उसकी आज्ञा को पालन करने के लिए एकदम सतर्क रहता है, तत्पर रहता है। अगर प्यार ही नहीं है तो आज्ञा पालन कर नहीं सकता। अगर प्यार करता हूं तो मैं उसकी आज्ञा को पालन करने के लिए तत्पर रहूंगा, तैयार रहूंगा। हालेलुया, बोलो प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के प्रेम के प्रति हमारा एक प्रतिक्रिया है। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना यह है कि परमेश्वर के प्रेम के प्रति एक प्रतिक्रिया है। प्रतिक्रिया, उसका एक्शन और रिएक्शन होता है ना, प्रतिक्रिया है। जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर की आज्ञाओं को भी पालन करने के लिए आप सतर्क रहोगे। हालेलुया। जब आज्ञा पालन करने की बात होती है, जब आज्ञा पालन करने की
की बात हम कर रहे हैं, तो जहां पर आज्ञा पालन करने की बात जब होती है तो वहां पर नौकर और मालिक के बारे में आप सोच रहे हो कि मालिक स्वामी आदेश देता है और नौकर उसका पालन करता है कि नहीं। जब आज्ञा पालन करने की बात होती है तो मालिक और नौकर के साथ संबंध को हम देखने लगते हैं। मगर बाइबल को जब पढ़ें, जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों को जब देखें, तब प्रभु यीशु मसीह योहन्ना रचित सुसमाचार को निकालिए 15 उसका 14 को पढ़िए। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक और सहायक देगा वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वहाँ पे कौन सा एक वचन है, मैंने तुम्हें मित्र कहा है 15 अध्याय में ना, हाँ कौन सा वचन है वो, कौन सा वचन पढ़े, हाँ पढ़ो पढ़ो, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। बोलो यीशु मसीह की जय, जोर से बोलो हालेलुया। कहा जो परमेश्वर से प्रेम करता है परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने के लिए वो हमेशा सतर्क रहता है, तत्पर रहता है। और जब हम आज्ञा पालन करने की बात करते हैं तो मालिक और नौकर के साथ संबंध नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, तुम मेरे मित्र हो। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे दोस्त हो। हालेलुया। बहुत सारी बातें हम अपने पास्टर को नहीं बोलते, अपने माँ बाप से शेयर नहीं करते, अपने शिक्षकों से गुरुजी को शेयर नहीं करते, परंतु बहुत सारी बात सब बातें हो सकता है, बहुत सारे मन की बातें जो है हम अपने दोस्तों को शेयर करते हैं, अपने मित्र के साथ उस बातचीत को हम शेयर करते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, तुम मेरे मित्र हो। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हो तो तुम परमेश्वर के मित्र हो। दोस्त क्या हो, दोस्त कौन है तुम्हारा दोस्त, सच्चा दोस्त कौन है, अभिषेक है। सच्चा दोस्त कौन है, अभिषेक है। सच्चा दोस्त कौन है कि लिस्ट में बोले थे सच्चा सहेली कौन है, सच्चा दोस्त कौन है, फलाना फलाना का नाम गिना लोगे। सच्चा दोस्त कौन है, प्रभु यीशु मसीह सच्चा दोस्त। हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। यीशु मसीह कहता है कि उसकी आज्ञा मानने वाले उसके सेवक नहीं है बल्कि उसके क्या है, मित्र है। जवानों तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य यह है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो। परमेश्वर के लोग जो है दंड के भय से नहीं, दंड के डर के कारण से नहीं, परंतु परमेश्वर से प्रेम करने के कारण उसकी आज्ञा को मानते हैं। डर के मारे नहीं, दंड के भय के कारण हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं ऐसा नहीं है, बल्कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं उसके कारण से हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। समझना ही बात, डर के मारे नहीं। एक वचन आप पढ़ो तो समझना और अच्छा आपको आएगा। वहां पर पतरस और चेले लोगों का साहस को आप देखो, प्रेरितों के काम 5 अध्याय उसका 29 वचन को पढ़ो, 5:29। वहां पर चेले पतरस जो है, हाँ बोलो एक वचन पढ़ो, फिर से पढ़ो, तब पतरस और अन्य प्रेरित उत्तर दिया मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है।
कर्तव्य है। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर के लोग, मसीही विश्वासी लोग, दंड के भय के कारण से दंड मिलेगा, भय के कारण से वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, परंतु परमेश्वर से प्रेम करने के कारण से प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानते हैं। और जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम मेरे मित्र। हालेलुया, हालेलुया। तुम मेरे क्या हो? किसका मित्र हो? यीशु मसीह के मित्र हो। मेरा मित्र कौन है? यीशु मसीह मेरा मित्र है। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहला परमेश्वर पर भरोसा रखना, दूसरी बात परमेश्वर से प्रेम करना, तीसरी बात परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। जवानों, ये आपका कर्तव्य है, ये आपका काम है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर को प्रेम करें और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। बोलो यीशु मसीह की। जोर से बोलो हालेलुया। एक बार जोर से बोलो इम्मानुएल ग्रुप हालेलुया। एक बार जोर से बोले कौन सा ग्रुप? एंजल ग्रुप। बोलो हालेलुया। समझ में आई? आते नहीं आते? चौथी बात, अच्छी बात कि परमेश्वर की सेवा करना। किसकी सेवा करना? किसकी सेवा करना? परमेश्वर की। आप जवान हो, जवान हो, प्रभु ने यह जीवन, यह अवस्था आपको दिया काहे के लिए? परमेश्वर की सेवा करने। किसकी सेवा करना? परमेश्वर की सेवा करना, किसी भी रूप में, किसी भी व्यक्ति को। अगर आप सेवा करते हैं, आप मदद करते हैं किसी भी रूप में, किसी भी समय आप अगर किसी की सेवा करते हो, ये सोचकर, ये जानकर कि मैं मनुष्य को दिखाने के नहीं, परमेश्वर को दिखाने के लिए कर रहा हूँ, परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहा हूँ, पूरा दिल से अगर कर रहे हो तो तुम प्रभु की सेवा कर रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। जहां पर परमेश्वर ने आपको रखा है, वहां पर आप परमेश्वर की सेवा वहीं पर आप करें, जिस भाव में, जिस अवस्था में, या जैसे भी आप करना चाहते हो, आप वहां पे प्रभु की सेवा करें। आमीन। आप स्कूल, कॉलेज में हो, ऑफिस में हो, दफ्तर में हो, परमेश्वर ने आपको वहां रखा है, इसलिए रखा है कि आप उसकी सेवा करें। और उसकी सेवा करना सबसे बड़ा सौभाग्य है। हालेलुया। उसकी आज्ञाओं को मानकर उसकी सेवा करना सबसे बड़ा काम। बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। हम केवल सोचने लगते हैं कि केवल चर्च में रहने वाले पास्टर ही प्रभु की सेवा करेंगे। नहीं, परमेश्वर ने आपसे प्यार किया, परमेश्वर ने आपको उद्धार दिया, आप यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आए हो, ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप हर एक व्यक्ति, हर एक नाम जो यहाँ पर बैठा है, प्रभु की सेवा करने के लिए। प्रभु की सेवा किसी भी रूप में, किसी भी व्यक्ति की, अगर मदद करते हो, काम करते हो, सेवा करते हो, प्रभु की सेवा। हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार एक बेटा, जिस प्रकार एक पुत्र पिता की सेवा करता है, उसी प्रकार हम परमेश्वर के आत्मिक संतान, परमेश्वर के संतान, हम परमेश्वर पिता की क्या करें? सेवा करें। पुत्र जो है मेवा पाने के लिए या कुछ पाने के लिए पिता की सेवा नहीं करता है, परंतु वो प्रेम के कारण से अपने पिता की सेवा करता है। हालेलुया, हालेलुया। एक बेटा अपने बाप की, अपने बाप के, अपने पिता की जो सेवा करता है, वो प्यार के कारण से, प्रेम के कारण से करता है, वो कुछ पाने के लिए नहीं करता, परंतु मेरा बाप है, मेरा पिता है, उसको प्रेम के कारण से उसकी सेवा करता है। आप पाने के मकसद से अगर आप करते हो तो सही नहीं हो। आप परमेश्वर से, आप कुछ पाने के लिए नहीं, परंतु जो परमेश्वर के हम संतान है, हम उस पिता की हम सेवा करें। पुनरुत्थान के बाद, जी उठने के बाद, उसके तीसरे दिन जी उठने के बाद, प्रभु यीशु मसीह ने
शिष्य पत्रस से पूछा, तीन बार पूछा, प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद जी उठने के बाद अपने शिष्य पत्रस से तीन बार पूछा, ये पत्रस क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? पूछा कि नहीं पूछा? तीन बार प्रभु यीशु मसीह पत्रस को पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? हालेलुया। और तीनों बार सकारात्मक उत्तर पाया, हाँ प्रभु मैं तुमसे क्या करता हूं। जब प्रभु यीशु मसीह सकारात्मक उत्तर को पाया, पाने के बाद प्रभु यीशु ने उसे अपने भेड़ों को चराने की जिम्मेदारी दी। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम उसे प्रेम करता है? पत्रस तीनों बार सकारात्मक उत्तर दिया, और सकारात्मक उत्तर पाने के बाद प्रभु यीशु मसीह अपने भेड़ों को चराने की जिम्मेदारी पत्रस को दिया। आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपसे मुझसे कहता है, क्या तुम उसे प्रेम करता है? क्या तुम उसे प्रेम करते हो? सवाल है, क्या तुम उसे प्रेम करते हो? जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर सकारात्मक उत्तर पाया, तब भेड़ों की चराने की जिम्मेदारी पत्रस को दिया, शेरों को दिया। यीशु से प्रेम करने वाला ही यीशु के समान एक अच्छा चरवाहा बन सकता है। प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करने वाला ही एक सच्चा चरवाहा बन सकता है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के। किसकी सेवा करना? परमेश्वर की सेवा करना। हम परमेश्वर की ओर से आए हैं और परमेश्वर के लिए, किसके लिए है? हेलो हालेलुया। हम परमेश्वर की ओर से आए हैं और संसार के लिए नहीं है, हम परमेश्वर की ओर से आए हैं और परमेश्वर के लिए है। हालेलुया। किसके लिए हो आप किसके हो? बोलो जवानों, किसके हो? परमेश्वर की ओर से आए हैं, परमेश्वर ने हमको बनाया, परमेश्वर की ओर से हम आए हैं और परमेश्वर के लिए। आप परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए। जो सो रहे हैं जोर से बोलिए हालेलुया। ये आदत है, इसका मतलब ये है कि आप ध्यान से नहीं सुन रहे। एक बार जोर से बोले सोने वाले हालेलुया। कोई ना कोई मिलेंगे, सुनते सभी हैं परंतु ध्यान से नहीं सुनते। सुने हैं तभी हालेलुया बोले हैं, मगर ध्यान से अगर सुनते तो नहीं बोलते। हमारे पास मोबाइल फोन है, हम इससे बहुत अच्छा उपयोग करते हैं। इस मोबाइल फोन लेके बाजार में हम बाजार करते रहते हैं, खरीदारी करते हैं, सब्जी वब्जी खरीदते हैं। बहुत शोरगुल होता है, बहुत आवाज, बहुत डिस्टर्बेंस वहां पर है, डिस्टर्बेंस वहां पर है। ऐसे समय पर आपका आपका प्रेम करने वाले का एक फोन आ जाए वहां पर, इतना शोरगुल में आप बात कैसे कर लेते हैं? गलत बोलो, आप बाजार में कुछ खरीद रहे हो और वहां पर किसी का फोन आ गया, जिसको आप प्रेम करते हो, जिसको आप प्यार करते हो, उसका फोन आ गया है, तो कैसे करोगे? वहां पर तो सब्जी वाले का आवाज आ रहा है, गाड़ी मोटर का आवाज आ रहा है, बहुत सारे शोरगुल वहां पर है, इतने सारे डिस्टर्बेंस के बीच में एक छोटा सा मोबाइल भी तो कान में, तो बात कैसी हो जाती है आपका? कैसे करते हो? जब आप खरीदारी करते हो उस समय जब फोन जब आता है तो आपका जो ध्यान जो है 100% ये सब्जी वाले से हटाकर आप अपने पूरे ध्यान को उस व्यक्ति की ओर केंद्रित करते हो जिसका फोन आया है। गलत की सही? थोड़ी देर के लिए, कुछ क्षण के लिए अपना ध्यान को उस व्यक्ति, इन बातों से हटाकर उस व्यक्ति की ओर ध्यान लगाते हो, तब आप पूरा बात कर लेते हो। आए बात कर रहे तो कैसे संभव है? क्यों? क्योंकि आप अपने ध्यान को डिस्टर्बेंस से हटाकर, अन्य चीजों से हटाकर उस व्यक्ति की ओर अपने ध्यान को लगाते हो जिसको आप प्रेम करते हो और बातचीत अच्छे से हो जाती है। आप अगर आपका ध्यान को, अपने मन को अन्य बातों से हटाकर, अन्य चीजों से हटाकर परमेश्वर की ओर केंद्रित करोगे, परमेश्वर की ओर लगाओगे, तो आप उसकी आवाज को, उसकी बात को आप अच्छे से सुन पाओगे। हालेलुया। आप अन्य जगह से ध्यान को हटाकर, आपका ध्यान अगर
ध्यान अगर इस बोलने वाले इस वचन की ओर आपका ध्यान अगर है तो आपको बराबर एक एक शब्द सुनाई देगा जो उसके बाद आप प्रतिक्रिया करोगे। हालेलुया। इसलिए बोलिए सोने वालों, प्रेज़ द लॉर्ड। यह है ध्यान से सुने, इसको बोलते ध्यान से सुने। बोलो यीशु मसीह की जय। आप सब लोग बोलो यीशु मसीह की जय। इसकी सेवा करना परमेश्वर की, क्यों करना? परमेश्वर की सेवा करना। परमेश्वर ने ये जीवन दिया है, ये लाइफ दिया है, ये अवस्था आपको दिया है, युवा अवस्था दिया है, इसलिए दिया है कि हम परमेश्वर की सेवा करें। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। पांचवी बात, परमेश्वर का भय मानना। किसका भय मानना? परमेश्वर का। किसका भय मानना? परमेश्वर का भय मानना। परमेश्वर का आदर है ना, परमेश्वर का सम्मान, परमेश्वर का आदर मन में होने के कारण से एक मसीही व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है। क्यों मानता है भय? डर के मारे नहीं, दंड से, दंड के भय से नहीं। मुझे दंड मिलेगा उसके डर के कारण से हम परमेश्वर का भय माने, वैसा नहीं है। परंतु परमेश्वर का आदर, परमेश्वर का सम्मान हमारे मन में होने के कारण से हम मसीह व्यक्ति जो है परमेश्वर का भय मानते हैं। क्यों मानते हो भय? अगर भय नहीं मानूंगा तो मैं नरक में चला जाऊंगा, भय नहीं मानूंगा तो दंड मिलेगा, इसलिए नहीं मानते हैं। पर परमेश्वर का डर, परमेश्वर का सम्मान मेरे अंदर, मैं परमेश्वर का आदर करता हूं, इसीलिए मैं परमेश्वर का भय मानता हूं। Praise the Lord. Hallelujah. तो किसका भय मानना? किसका भय मानना है? परमेश्वर का भय मानना। अब परमेश्वर का भय मानने से क्या मिलती है? परमेश्वर का भय मानने से क्या मिलती है? बुद्धि मिलती है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि का आरंभ है। यदि बुद्धि चाहते हो, समझ चाहते हो, तो यहोवा का भय माने। अब परमेश्वर का भय मानिए, डर के मारे मत मानिए। परमेश्वर का सम्मान, परमेश्वर का आदर मन में होने के कारण से हम परमेश्वर का भय मानते हैं। हालेलुया। मैं जो है हमारे अंकल को डर के मारे नहीं, उनका सम्मान है मेरे अंदर, उनका एक आदर है मेरे अंदर में, जिसके कारण से मैं उनका भय मानता हूं। डर के मारे नहीं, खतरनाक दिखते हैं क्या? नहीं, एक सम्मान है, एक आदर है मेरे अंदर में उनके प्रति, जिसके कारण से मैं उनका भय मानता हूं। परमेश्वर का आदर करे, परमेश्वर का सम्मान करे, हर काम में, हर बात में, हर स्थिति में आप परमेश्वर को सम्मान करे, आदर करे, और आदर करके, सम्मान करके आप परमेश्वर का भय मान। अब परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। परमेश्वर स्वर्ग में रहता है, वो पवित्र परमेश्वर है, वो पाप से घृणा करता है। खबर करूंगा, वो भस्म करने वाली क्या है? आग है। परमेश्वर क्या है? प्रेम है। सब चीज को भूल जाओ, सब चीज को भूल जाओ, केवल परमेश्वर प्रेम है। अगर लोग है ना, केवल परमेश्वर प्रेम है तो मालूम है सबके सब स्वर्ग चले जाएंगे। पापी, शराबी, गुंडागर्दी, सब दुनिया भर में सब कोई स्वर्ग चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। आप दूसरे तरफ ले लो, परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। प्रेम को छोड़ो, परमेश्वर केवल और केवल भस्म करने वाली आग है। तो क्या होगा मालूम? सबके सब दंडित किए जाओ, सबके सब दंडित किए जाओ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पाप से घृणा करता है, परमेश्वर पाप से घृणा करता है। उसी प्रकार परमेश्वर की संतान बनने के बाद आप और मैं भी पाप से घृणा करें। एक उदाहरण दूंगा, उसके बाद जल्दी से मेरा समय समाप्त हो जा रहा है, मैं खत्म करता हूं। सुअर और मेमना, किसका? सुअर और मेमना, दोनों का उदाहरण। सुअर को नहला धुला के मस्त नहला धुला के जेल में लगा कर, हम तो डॉगी लोगों को, कुत्ते लोगों को ले जाते थे सुबह शाम। डॉगी को कभी कोई सुअर को लेके मॉर्निंग वॉक में नहीं पाए? सुअर को बढ़िया नहला धुला के, अच्छा साफ सुथरा करके, करीब सब पड़ोड़ लगा दी, अब मस्त रस्सी बांध, मतलब चेन में आप लेके घुमा,
सैतान मॉर्निंग वॉक में निकल जाए, सो क्या करेगा मालूम है, चलते चलते मार्ग में जहां उसको कीचड़ दिखेगा वहां वो वो पाप वो कीचड़ वो गंदगी उसको क्या करेगा खींचेगा, वो आपके हाथ को छटकार वहां चलेगा फिर रोड फुट कर देगा। अरे मेमना ऐसा नहीं है, सुअर का जो चरित्र है, सुअर का जो स्वभाव है वो कीचड़ में है, इतना भी उसको नहला कि अपने जेल में बांध के मॉर्निंग वॉक में निकल जाओ, जहां पर उसको गंदगी दिखा कीचड़ दिखा फिर सो रोड फुट कर देगा फिर वही चले जाए। परमेश्वर पवित्र है, स्वर्ग में है, पाप से घृणा करता है। परमेश्वर की संतान जवानों आप और मैं भी पाप से घृणा करें। चारों तरफ दुनिया में पाप भरा हुआ है, कहीं पर भी अच्छाई है नहीं, सब तरफ रिस्क है, सब तरफ गलत और गलत और भ्रष्टाचार सब तरफ खराब है। ऐसी जगह पर आप और मैं रहते हैं और चलते हैं, सब काम करते हैं, ऐसी जगह पर रहने के बाद भी हम परमेश्वर का भय माने, वहां पर परमेश्वर है जहां पर आप हो, परमेश्वर का भय माने, पाप से घृणा करे, सुअर के समान हमारा स्वभाव ना हो, जिस जगह को हम छोड़कर आए उसी जगह पर फिर ना चले जाए, परमेश्वर का भय माने। हालेलुया हालेलुया। आखिरी बात, परमेश्वर को धन्यवाद देना, क्या देना, परमेश्वर को धन्यवाद देना। मसीह जन परमेश्वर के उपकारों को याद करके एक जवान जो है परमेश्वर को धन्यवाद करना और अंत में परमेश्वर की क्या करना, स्तुति करना। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। आदर का बर्तन, दिन क्या है, आदर का बर्तन, आदर का बर्तन। मैंने एग्जांपल दिया आपको समझ में आई कि कब ऐसा अवस्था में नहीं था, मिट्टी का ढेला था, कुम्हार ने देखा चुना उसको मारा तोड़ा, कंकड़ और गोटी को उसमें से निकाल कर मिट्टी सान कर चरखा में डाला, एक रूप उसको दिया, आग में पकाया, पेंट किया और जाके बाजार में हुआ, अब कीमत दे के उसको खरीद के लाए और आदर का पात्र के रूप में हम उसको किचन में और बैठक रूम में एक अच्छी जगह पर उसको रखते हैं, सम्मानित जगह, ये होते हैं आदर का पात्र। हालेलुया। दूसरा पात्र कई प्रकार का पात्र है, अनादार के पात्र हैं जो अभी बाथरूम में मिल जाएगा, ऐसे पात्र ना बने। हालेलुया। आइए हम आखिरी का खत्म करते हैं, सबसे पहला क्या रखना, परमेश्वर पर भरोसा रखना, दूसरा परमेश्वर को बराबर प्रेम करना, तीसरी बात परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, चौथी बात आप परमेश्वर की सेवा करना, उसी के लिए आप चुने गए हैं, पांचवी बात परमेश्वर का भय मानना, छठवीं बात परमेश्वर को धन्यवाद देना और अंत में परमेश्वर की स्तुति करना। ये है मेरा आपका कर्तव्य परमेश्वर के प्रति।